पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, यूपी के विकास का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की चुनौती पार करने में बहुत समय नहीं लगेगा, ये मेरी आत्मा कहती है। उत्तर प्रदेश सरकार को, उद्योग जगत के आप सभी साथियों को इस प्रतिबद्धता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम बोलने लोग नहीं है जी, जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी एक फोटो आप नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ। लेकिन एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहां बैठे उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। लेकिन जब नीयत साफ हो, इरादे नेक हो, तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते। महात्मा गांधी का जीवन इतना पवित्र था, उनको बिरला जी के घर परिवार में जाकर के रहने में कभी संकोच नहीं हुआ, बिरला जी के साथ खड़े रहने में उनको कभी संकोच नहीं हुआ, नियत साफ थी। जिन लोगों को पब्लिक में तो मिलना नहीं है, पर्दे के पीछे सब कुछ करना है, वो डरते रहते हैं। अगर हिंदुस्तान को बनाने में एक किसान का मेहनत काम करती है, एक कारीगर की मेहनत काम करती है, एक बैंकर फाइनेंसर की मेहनत काम करती है, एक सरकार के मुलाजिम की मेहनत काम करती है, एक मजदूर की मेहनत काम करती है, वैसे देश के उद्योगकारों की भी देश को बनाने में भूमिका होती है। हम उनको अपमानित करेंगे, चोर लुटेरे कहेंगे, ये कौन सा तरीका है? हाँ, जो गलत करेगा उसको या तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा या तो जेलों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन यह भी पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पर्दे के पीछे पहले बहुत कुछ होता था। किसके जहाज में लोग घूमते पता नहीं है क्या? और इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी के साथ और सहयोग की आवश्यकता है, और देश के 125 करोड़ नागरिकों को सम्मान देना ये हम सब देशवासियों की जिम्मेवारी है। जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुए हैं इनमें यहां के 2 लाख से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलने का वाला है, और इसके अतिरिक्त जहां ये उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, वहां के स्थानीय लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इन परियोजना से किसान हो, श्रमिक हो, युवा हो, हर किसी को लाभ होने वाला है। साथियों, मैंने यूपी की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था कि उनके प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। आज यहां जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं वो उसी वचनबद्धता का एक महत्वपूर्ण ठोस कदम है। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक असंतुलन को दूर करने में भी सहायक होंगे, क्योंकि ये राज्य कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। इनका विस्तार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर झांसी, हरदोई, अमेठी, रायबरेली और जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर तक फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान को नया आयाम देने की दिशा में भी बहुत बड़े कदम सिद्ध होने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में
तेज इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या फिर आईटी सेंटर स्थापित करने का काम, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के विकास को नई गति, नई दिशा और नौजवानों को नया अवसर देने वाला है। ये हमारी सरकार के उस व्यापक प्लान का हिस्सा है जिसके तहत हम डिजिटलाइजेशन के साथ साथ सामान्य मानवीय के जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं जहां किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश ना हो, प्रक्रियाओं में गति भी दिखे और संवेदनशीलता भी दिखे, न अपना न पराया, न छोटा न बड़ा, सबके साथ समान व्यवहार, यानी कुल मिलाकर सबका साथ सबका विकास। साथियों, सर्विसेज की तेज और ट्रांसपेरेंट डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान आज व्यापक भूमिका निभा रहा है। गांव गांव में फैले 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर आज हमारे ग्रामीण जीवन को बदल रहे हैं। टिकट बुकिंग, बिजली टेलीफोन के बिल, टेलीमेडिसिन, जन औषधि, आधार सेवा जैसी सैकड़ों सेवाओं के लिए अब गांव के लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर तो शहरों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स, सस्ता मोबाइल इंटरनेट गरीब मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने में बहुत बड़ी सहायता कर रहा है। साथियों, आईटी इंडस्ट्री बरसों से हमारी ताकत रही है। आज आईटी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर है। 40 लाख से अधिक लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। लेकिन देश की यह ताकत बड़े शहरों, मेट्रो शहरों वहां तक सीमित रह गई। हमारी सरकार इस ताकत को देश के छोटे शहर और गांवों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। साथियों, टुकड़ों में सोचने की सरकारी परंपरा अब समाप्त हो चुकी है। अब साइलोज को खत्म करके सॉल्यूशंस को और सिंक्रोनाइजेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की एक योजना, एक एक्शन का दूसरे से सीधा कनेक्शन है। डिजिटल इंडिया अभियान और मेक इन इंडिया अभियान इसका बेहतरीन उदाहरण है। आज डिजिटल इंडिया, डिजिटल लेन देन का जो भी प्रसार हो रहा है उसके पीछे सस्ते होते मोबाइल फोन भी एक कारण है। मोबाइल फोन इसलिए सस्ते हुए क्योंकि अब बड़ी मात्रा में भारत में फोन का निर्माण होने लगा है, बनने लगे हैं। आज देश दुनिया के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। आज हम दुनिया में मोबाइल फोन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन की अगुवाई उत्तर प्रदेश कर रहा है। यूपी में 50 से अधिक मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियां आज काम कर रही है। हाल में ही दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश में हुई है। आज भी यहां जिन नई फैक्ट्रियों का शिलान्यास हुआ है उनमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फैक्ट्रियां भी शामिल है। साथियों, आज जो माहौल बना है उसके लिए बीते 4 वर्षों में अनेक फैसले सरकार ने लिए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले हो, देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देने का फैसला हो,
या फिर प्रक्रियाओं को सरल बनाने का फैसला हो, ये सब उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बरसों से जो जीएसटी अटका हुआ था उसने देश को टैक्स के जाल से मुक्त किया है और इसका भी फायदा उद्योग जगत को हुआ है। बीते वर्ष देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और उठाया पाया गया है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया आदेश के द्वारा सरकार के तमाम विभागों और संस्थानों में खरीदी जा रही वस्तुओं और सेवाओं के डोमेस्टिक सोर्स से खरीदने पर बल दिया जा रहा है, मेड इन इंडिया को बल दिया जा रहा है। इस आदेश का लाभ देश के लघु उद्योगों को भी मिल रहा है। पिछले एक वर्ष में यहां योगी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आया, नीतियां बनी, अपराध पर नियंत्रण हुआ, उससे यूपी को डबल लाभ हुआ है। साथियों, भाजपा सरकार होलिस्टिक विजन इंक्लूसिव एक्शन, होलिस्टिक विजन एंड इंक्लूसिव एक्शन इस अप्रोच पर काम कर रही है। इस मंच से यहां मौजूद उद्योग जगत के सभी साथियों, आप सभी को और तमाम निवेशकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, प्रगति की हमारी ये जो दौड़ है ना, मेरे लिए तो ये एक शुरुआत है, अभी बहुत दौड़ना बाकी है, तेज गति से दौड़ना है। आप राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण इकाई है और आपके संकल्प देश के करोड़ों नौजवानों को सपनों से भी जुड़े हुए हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए जो भी फैसले लेने पड़ेंगे वो भविष्य में भी पूरी मजबूती के साथ लेने का हमें इरादा भी है, ताकत भी है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हमारे बड़े प्रोजेक्ट तैयार होते जाएंगे, देश में बिजनेस करना और ज्यादा आसान होने वाला है। खासकर लॉजिस्टिक पर होने वाला खर्च बहुत कम होने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से सामान्य जन के साथ साथ उद्योग जगत को भी बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूपी में बहुत संभावनाएं हैं। यहां के एमएसएमई सेक्टर को भी आने वाले समय में इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलने वाला है। यहां के छोटे व्यापारियों, छोटे और मझले उद्यमियों से मेरा आग्रह है कि जो अब भी कैश से कारोबार कर रहे हैं वो डिजिटल लेनदेन की तरफ जरा आगे आए। साथियों, स्थायी विकास और सतत प्रयास ही 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों को साकार करने वाला है। स्थायी विकास की जब हम बात करते हैं तब बिजली की व्यवस्था इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। सस्ती और निरंतर बिजली सामान्य जीवन की भी मूलभूत आवश्यकता है, तो कृषि और उद्योग के लिए भी बिजली उतनी ही अनिवार्य है और इसलिए बिजली पर इस सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। आज पारंपरिक एनर्जी से देश ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। विशेष तौर पर सोलर एनर्जी पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हमारे इनिशिएटिव को आज दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी यूपी बहुत बड़ा हब बनने वाला है। मिर्जापुर में ही कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े प्लांट का उद्घाटन किया गया था, आज एक और प्लांट का शिलान्यास यहां किया गया है। भाइयों और बहनों, आज भारत ही नहीं, अफ्रीका समेत दुनिया के अनेक विकासशील देशों को सोलार टेक्नोलॉजी, सोलार पंप जैसी मशीनों की आवश्यकता है।
मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि ग्रीन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत में बन रहे अभूतपूर्व माहौल और वैश्विक परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए हमारे उद्योग जगत के सब साथी आगे आए। साथियों, बिजली उत्पादन से